आँखों से हमारी सेहत का काफ़ी गहरा नाता है और अक्सर बहुत सारी ऐसी हेल्थ कंडीशन होती है जो हमारे आँखों के द्वारा पता चल भी जाती है। और आज हम ऐसी ही एक कंडीशन की बात करने वाले हैं जो अक्सर थायराइड डायबिटीज़ वाले मरीजों में ज़्यादा पाई जाती है और इस कंडीशन का नाम है ज़ेंथेलिज़्मा पाल्पेब्रम। जी हाँ, ये बहुत भारी शब्द है ना, लेकिन आपने अक्सर पाया होगा आपके आस पड़ोस में या तो शायद से आपको खुद को भी आँखों के ऊपर एक पीले रंग की परख आ जाती है जिसको हम कहते हैं आँखों की चर्बी, जो लेमन भाषा में जानते हैं। क्या होती है ये आँखों की चर्बी और क्या इसके वजह से कोई दिक्कत आ सकती है, इसको ठीक नहीं किया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको ठीक करने के लिए क्या क्या इलाज मौजूद है, इस सब के बारे में हम आज बात करेंगे डिटेल में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। आज का हमारा टॉपिक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉस्मेटिक टॉपिक है। जी हाँ, अक्सर आँखों की जो चर्बी का टॉपिक है उसके वजह से लोग काफ़ी टेंशन में रहते हैं, क्यों ना हो, आखिर ये चेहरे का मामला है ना। और इसके वजह से इसको ठीक करने के लिए मरीज अक्सर चमड़ी के डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। उनको लगता है क्योंकि ये चमड़ी की बीमारी लगता है आँखों पे आई है तो आँखों के डॉक्टर के पास, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं और कभी कभी वहाँ से कुछ इतना आंसर अच्छा नहीं मिलता है तो कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर्स के पास भी पहुँच जाते हैं। यानी आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि कितना मेंटली डिस्टर्बिंग ये कंडीशन होता है। तो क्या होती है ये आँखों की चर्बी की बीमारी? जैसे कि शुरुआत की वीडियो में मैंने बताया कि इस कंडीशन को हम मेडिकल भाषा में कहते हैं ज़ेंथेलिज़्मा पाल्पेब्रम। चलिए इस वर्ड को हम तोड़ते हैं। बाय द वे, ये जो शब्द जो है ना, ये ग्रीक भाषा में से आया है। ज़ेंथोस यानी कि पीला, ग्रीक भाषा का वर्ड है, ओके। और लिज़्मा यानी कोई पीटी हुई मेटल की प्लेट, यानी एक समझ लीजिए कि एक मेटल है, आप उसको पीट रहे तो कैसे वो चपटी हो जाएगी, तो ऐसी पीले रंग की चपटी जो होती है इसको कहते हैं ज़ेंथेलिज़्मा पाल्पेब्रम। पाल्पेब्रम यानी कि पलके, यानी कि ये प्रॉब्लम जो है आपकी आँखों की पलकों के ऊपर आता है। क्या है ये ज़ेंथेलिज़्मा पाल्पेब्रम? इसको शॉर्ट फॉर्म से लोग इसको XP के नाम से भी जानते हैं, या तो शॉर्ट फॉर्म में ज़ेंथेलिज़्मा बहुत ज़्यादा कॉमनली शब्द है। क्या होता है ये ज़ेंथेलिज़्मा? देखिए, ये एक खास प्रकार की चमड़ी की बीमारी है जिसको हम ज़ेंथोमा कहते हैं। वैसे तो ये ज़ेंथोमा आपके शरीर में कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन जब ये आँखों की पलकों के ऊपर आता है तो हम इसको ज़ेंथेलिज़्मा पाल्पेब्रम कहते हैं। तो अगर आपको ज़ेंथेलिज़्मा पाल्पेब्रम है तो उसके क्या लक्षण आ सकते हैं? तो देखिए, लक्षण है तो बहुत ही सिंपल है, आपकी आँखों के ऊपर आपको पीले रंग की परख दिखने लगेगी। यानी ये विजुअली आप मिस ही नहीं कर पाएंगे, आपको है तो आप दो चार दिन में ही इसको पहचान लगेंगे कि आपके चेहरे की आँखों पे कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है। और ये जो परख जो होती है ये पीले रंग की परख होती है। अभी पीले रंग की क्यों है? क्योंकि ज़्यादा करके ये बनी हुई है कोलेस्ट्रॉल में से, और कोलेस्ट्रॉल का कलर, फैट का कलर यूजुअली येलोइश रहता है, और इसी के वजह से इसका रंग भी थोड़ा लाइट से डार्क येलो कलर का होता है। तो ये जो ज़ेंथेलिज़्मा है तो इसकी परख आ जाती है। अगर इस परख को आप छुएंगे तो आप पाएंगे कि ये परख जो है या तो थोड़ी नरम सी महसूस हो सकती है, कभी कभार एक कड़क भी साबित हो सकती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है, या तो कभी कभार थोड़ी सी उसकी उबड़ खाबड़ वाली भी इसका टेक्स्चर आ सकता है। ज़्यादा करके ज़ेंथेलिज़्मा आपकी आँखों की ऊपर वाली अपर लिड यानी ऊपर की पलकों पे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोअर लिड में यानी नीचे की पलकों पे नहीं होता। बहुत सारे मरीजों को, खास करके एडवांस स्टेज में रहता है तो नीचे की पलकों पे भी आता है। देखिए, ये बीमारी जो है क्योंकि आपको बाहरी ओर से दिखती है, एक तो आपको दिखने में अच्छा नहीं लगता, साथ ही साथ थोड़ा बहुत आपको कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं होता, कभी कभार लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ज़ेंथेलिज़्मा की वजह से आपकी आँखों के अंदर के वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आता,
यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको जेंथिलिज्मा है तो आपका चश्मे का नंबर आ जाएगा, आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, या तो फिर आपको कैटराक्ट या तो मोतियाबिंद या तो ग्लोकोमा जैसी बीमारी आ जाएगी। जी नहीं, ऐसी बीमारियाँ नहीं होती। और अक्सर लोग ये भी डर जाते हैं कि ये जेंथिलिज्मा कोई टाइप का कैंसर है। देखिए, जेंथिलिज्मा में बहुत ज़्यादा जो मैलिग्नेंसी का पोटेंशियल नहीं होता है, यानी ये आगे चल के कैंसर बनेगा ऐसा ज़्यादा अक्सर कॉमनली नहीं ही होता है। दूसरा एक पॉइंट आ जाता है कि क्या ये जेंथिलिज्मा बढ़ते जाएगा या वैसा ही रहेगा। तो देखिए, ये भी कहना थोड़ा मुश्किल है। बहुत सी बार ऐसा भी सेम टू सेम साइज में रह सकता है, लेकिन बहुत से बार ये धीरे धीरे करके बढ़ने भी शुरू हो जाता है। अब ये कितना तेज़ी से बढ़ेगा ये तो आपके खून के रिपोर्ट्स ही बता पाएंगे, लेकिन यूजुअली इसके ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये थे उसके लक्षण, यानी ज़्यादा करके लक्षण आप देखिए दिखने में ही आते हैं, इतना कुछ ना ही ये दर्द भी देता। ऐसा नहीं है कि आपको दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ देखने में डेफिनेटली अच्छा नहीं दिखता। ये उसका सबसे कॉमन सिम्टम है। अब देखते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है और क्या वजह से ये जेंथिलिज्मा की कंडीशन आती है। तो देखिए, अगर आप महिला है तो जेंथिलिज्मा होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अक्सर 32% औरतों को ये प्रॉब्लम होता है, जबकि मर्दों के हिसाब से सिर्फ 17%, यानी औरतों को जेंथिलिज्मा आने का चांस थोड़ा ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले। उसी प्रकार जेंथिलिज्मा ज़्यादा करके ऊपर वाली अपर आईलेट की पलकों पे आता है। उसके साथ साथ अगर आपको और कोई बीमारी है, जैसे कि आपके लीवर की बीमारी है, फैटी लीवर जिसको कहते हैं, लीवर सिरोसिस है, तो आपको आ सकता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, यानी आपके शरीर में खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, तो भी जेंथिलिज्मा आ सकता है। उसी प्रकार अगर आपको कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसमें आ जाता है टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर ऐसी बीमारियां हैं तो भी आपको जेंथिलिज्मा हो सकता है। उसी प्रकार अगर आपके परिवार में किसी को जेंथिलिज्मा रहा है, या तो आपके परिवार में किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रहा है, तो आपके भी रिस्क बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार अगर आपका वज़न ज़्यादा है, ओवरवेट है, या तो मोटापा ओबेसिटी है, तो भी एक प्रॉब्लम आ सकता है। आपकी अगर कुछ ऐसी आदतें हैं जैसे कि आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, या तो फिर आपको धूम्रपान की आदत है, तो भी जेंथिलिज्मा काफ़ी कॉमन पाया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट वो है थायराइड। जी हाँ, अक्सर थायराइड के मरीजों को जेंथिलिज्मा कॉमनली पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि जैसे आपका थायराइड में इम्बैलेंस होता है ना, आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल में भी इम्बैलेंस आता है। जी हाँ, बहुत ही कम लोगों को पता है कि थायराइड और आपके कोलेस्ट्रॉल एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो हो सकता है आपको जेंथिलिज्मा काफ़ी कॉमनली आए। बाय द वे, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल का कैसा गहरा नाता है और कैसे कनेक्टेड है, इस पे लिए मैंने खास अलग वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देखेगा, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। और डेफिनेटली अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की कोई बीमारी है और उसकी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उस वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा, क्योंकि बहुत सी बार हमने ऐसा देखा है कि मरीज़ को कोलेस्ट्रॉल की दवा की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो लेते जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप ऐसी गड़बड़ मत कीजिए, वो वीडियो को देखिएगा ऊपर आई बटन पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। तो अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो भी जेंथिलिज्मा आ सकता है। अगर आप कोई ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, देखिए बहुत सारी दवाइयाँ आ जाती है, इसमें सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, या तो फिर आप एनाबॉलिक स्टीरॉयड, खास करके जो एथलीट्स लेते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स, ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं, या तो फिर आप किसी प्रकार की इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी ली है, या तो आपको एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी है, अगर उसकी कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, सिमेटिडिन वैसे एक टाइप की जो एसिडिटी की दवाई है, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, अगर आप ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो भी आपको जेंथिलिज्मा लगने के रिस्क थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। यानी ये सब मेडिकल कंडीशन है जहाँ पर आपको जेंथिलिज्मा ज़्यादा कॉमनली हो सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि अगर जेंथिलिज्मा है तो क्या इसके कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? जवाब है जी हाँ, आ सकते हैं, क्योंकि जेंथिलिज्मा का कनेक्शन
कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल का कनेक्शन है आपके हार्ट से। यानी बहुत सी बार अगर जेंथिलिज्मा है तो ऐसी कंडीशन में आपको आपके हार्ट का फंक्शन भी चेक कराना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इसके वजह से हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक, ऐसी कोई मेडिकल समस्या आए। उसी प्रकार हमारे आँखों के अंदर की जो काले जो पंती होती है, जिस पे कॉर्निया नाम का एक सब्सटेंस है, एक टाइप का बॉडी पार्ट है, तो बहुत सी बार ऐसा पाया गया है कि जेंथिलिज्मा जिन मरीजों को होता है उनकी कॉर्निया पे एक सफ़ेद रंग की गोल सी सर्कल बन जाता है, जिसको हम आर्कस सेनिलिस कहते हैं, वो भी कॉमनली आ सकता है। देखिए ज़्यादा करके क्योंकि जेंथिलिज्मा आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं देगा, लेकिन जेंथिलिज्मा खुद ही अंदरूनी शरीर के अंदर से आने वाली एक बीमारी का निर्देश करता है, और अगर उसको ठीक नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम बढ़ सकता है और इसके वजह से ही कॉम्प्लिकेशंस आते भी हैं। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि इसको हम कैसे पहचानते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। देखिए डायग्नोसिस बहुत ही आसान है, आप जैसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी आँखों की वो जो स्किन है उसको देख के ही कह देंगे कि जेंथिलिज्मा है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कभी कभार डाउट लगता है, खास करके बहुत सारे मरीज एकदम पैनिक स्टेट में आते हैं, बहुत घबराए हुए रहते हैं कि डॉक्टर ये कैंसर तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, तो वैसे केसेस में डॉक्टर आपकी हिस्टोपैथोलॉजी की एक रिपोर्ट आती है वो कराते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी जो भी रिपोर्ट करते हैं तो उसमें यही पाया जाता है कि जेंथिलिज्मा के अंदर खास प्रकार के फोम सेल्स होते हैं। जी हाँ, ये फोम सेल्स जो होते हैं इसके अंदर बढ़ा हुआ रहता है कोलेस्ट्रॉल, यानी ये कोलेस्ट्रॉल रिच फोम सेल्स होते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में अगर आया जाता है तो हमें पता चल गया है कि ये जेंथिलिज्मा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई कैंसर का पोटेंशियल नहीं है। हाँ, साथ साथ में आपके कुछ खून के टेस्टिंग होंगे, क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम है अंदरूनी, चेहरे पे और आँखों पे सिर्फ बाहरी और पे आ रही है, इसलिए अंदरूनी सेहत जानना ज़रूरी है। तो वैसे केसेस में सबसे पहले हम चेक करेंगे आपका थायराइड। जी हाँ, थायराइड में जेंथिलिज्मा बहुत कॉमनली होता है, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे, TSH, T3, T4, ये पूरी जाँच पड़ताल होती है। उसके साथ में टेस्ट होती है डायबिटीज़ की। जी हाँ, अक्सर जेंथिलिज्मा मेटाबॉलिक सिंड्रोम डायबिटीज़ में भी पाया जाता है, खास करके टाइप 2 डायबिटीज़। तो डॉक्टर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर है 2 घंटे के बाद की है, 3 माह का टेस्ट HbA1c ये टेस्ट कराएंगे। तीसरी टेस्ट होगी आपके कोलेस्ट्रॉल की, ऑफकोर्स क्योंकि अक्सर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये बीमारी आती है, तो इसके वजह से कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग भी होना ज़रूरी है। साथ ही साथ टेस्टिंग होगी आपके लिवर की। अब लिवर की क्यों? क्योंकि फैटी लिवर और भी लिवर की बीमारियां है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का इम्बैलेंस हो जाता है और इसके वजह से उसकी भी टेस्टिंग करानी ज़रूरी है। और उसके अलावा केस टू केस डिपेंड करता है आपका मेडिकल केस क्या है, उस हिसाब से डॉक्टर्स कुछ टेस्ट प्लस माइनस बताएंगे, लेकिन ये कॉमन सी टेस्ट करानी ज़रूरी हो जाती है। अब जब रिपोर्ट में आता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो क्या करेंगे? तो देखिए वैसे केसेस में आपके डाइट और लाइफस्टाइल पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा, और अगर आपका डाइट लाइफस्टाइल अच्छा है, जेंथिलिज्मा बहुत ज़्यादा है, तो वैसे केसेस में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा, जिसको हम स्टैटिन की दवाइयाँ कहते हैं, वो बहुत सी बार फ़ायदा करती है। और इसीलिए जब भी हाई कोलेस्ट्रॉल आता है तो डॉक्टर आपको आपकी लाइफस्टाइल पे तो फोकस करने को कहेंगे ही कहेंगे, साथ साथ में आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई भी देते हैं। अब देखिए ऐसा भी हमने देखा है कि बहुत सी बार बहुत से लोगों को जेंथिलिज्मा होता है, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आता है। तो वैसे नॉर्मो लिपिडेमिक वाले जो केसेस होते हैं उसका केस को मैनेज करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, और उसके लिए और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अगर आपके खून में HDL यानी जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा कम है और आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, तो भी बहुत सी बार जेंथिलिज्मा पाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हाई कोलेस्ट्रॉल हो तो ही होगा, बहुत सी बार नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल के लेवल पे भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, अब जैसे ट्रीटमेंट की बात आती है तो मरीज पूछते कि क्या इसकी ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है या ये खुद से ठीक हो जाएगा। देखिए खुद से तो ये ठीक डेफिनेटली नहीं होने वाला है,
हो सकता है जितना है उतना ही रहे, या तो धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता है थोड़ा ही बड़ा भी हो सकता है। ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपका कौन से लेवल पे जेंथेलिज्मा है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट वेरी करता है। और उसी प्रकार जेंथेलिज्मा को 4 टाइप में डिवाइड किया है, कैटेगरी 1, 2, 3 और 4। कैटेगरी 1 जो होती है, अगर आपको जेंथेलिज्मा सिर्फ ऊपर की पलकों पे और बाहरी ओर पे है, इसको कैटेगरी 1 कहते हैं। कैटेगरी 2 जो होता है, ग्रेड 2 जो होता है, यहाँ पे जेंथेलिज्मा आपकी बाहरी ओर से लेके पूरे अंदर तक पूरा पहुँच गया है, सिर्फ अपर लिप, सिर्फ ऊपर वाली पलकों पे आया है। ग्रेड 3 या तो कैटेगरी 3 जो होती है, इसमें जो जेंथेलिज्मा होता है ऊपर की पलकों के बाहर से लेके अंदर तक आता है और नीचे की पलकों के नीचे तक आता है, यानी ऐसे तक आ जाता है। और कैटेगरी 4 या तो ग्रेड 4 जो होता है, इसमें जो जेंथेलिज्मा है पूरी आँखों तक गोल तरीके से आ जाता है, यानी बाहर से लेके अंदर और अंदर से लेके बाहर ऊपर और नीचे की दोनों की पलकों पे इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। यानी ये 4 टाइप के कैटेगरीज के जेंथेलिज्मा होते हैं और किस टाइप का है उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट वेरी कर सकती है। तो ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जेंथेलिज्मा कोलेस्ट्रॉल, शुगर, उसके इम्बैलेंस से आ रहा है, तो इसीलिए हम उस पर फोकस करेंगे। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, मोटापा है, तो वज़न कम करने का एडवाइस करेंगे, आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप खाने पीने में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला प्रोसेस खाना खा रहे हैं तो उसको आप कट डाउन कीजिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको कम कीजिए। अगर आपके कोई ऐसी आदतें हैं जैसे धूम्रपान है, फिर अल्कोहल का सेवन है, तो ऐसी आदतों को भी कम कीजिए। तो ये सब कुछ हद तक काम में आ सकता है। उसके साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली स्टैटिन वाली दवाइयों का भी प्रिस्क्रिप्शन काफ़ी कॉमनली दिया जाता है। अगर ये सब करने के बाद में आपका कोई भी अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं है तो फिर हम बढ़ते हैं आगे की इलाज की तरफ। तो उसमें सबसे पहला है वो है सर्जिकल एक्सेशन, यानी छोटी सी सर्जरी होती है। ये सर्जरी ज़्यादा करके आँखों के डॉक्टर, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या तो फिर कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर्स करते हैं। और ज़्यादा करके ये सर्जरी तब की जाती है कि अगर आपको जेंथेलिज्मा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पूरी आँखों पे इन्वॉल्वमेंट आ गया है, या तो आपने पहले कोई ट्रीटमेंट कराई थी उसका कुछ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, या तो आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, कॉस्मेटिकली यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, तो भी हो सकता है। तो सर्जिकल एक्सीजन काफ़ी कॉमन है और काफ़ी सालों से ये चलती आ रही है ट्रीटमेंट, और काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। आजकल कुछ और भी ट्रीटमेंट्स के ऑप्शंस आ गए, उसमें दूसरी आ जाती है जिसका नाम है क्रायोथेरेपी। जी हाँ, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम लिक्विड नाइट्रोजन क्रायोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडी मात्रा का टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन क्रायोथेरेपी होती है बहुत ही ज़्यादा सेफ है, इफ़ेक्टिव है, किफ़ायती है, इतनी महंगी नहीं होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं और ज़्यादा इतना कोई मेजर खर्चा भी नहीं लगता। ये सब एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए आपको एक सिटिंग में काम नहीं होता, कुछ मल्टीपल सिटिंग्स लग सकती है, कभी कभार इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ सकती है ट्रीटमेंट के बाद में, तो दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है वो है केमिकल पील। जी हाँ, इसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का केमिकल का पील का इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे देश में ये थेरेपी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि ये बहुत नॉन इन्वेजिव है, वापस बहुत ही किफ़ायती है, इफ़ेक्टिव है, सेफ़ है, इतना कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता, ओपीडी प्रोसीजर होती है, इसके लिए आपको भर्ती नहीं होना पड़ता, ना कोई टाइप का कोई ऑपरेशन नहीं होता, यानी ये काफ़ी लोगों की पसंदीदा है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही आ सकता है कि जहाँ पे भी पील लगाया है वहाँ पे आपके स्किन के कलर में यानी पिगमेंटेशन में चेंजेस आ सकते हैं, या तो पिगमेंटेशन बढ़ सकता है या तो पिगमेंटेशन कम हो सकता है, तो ये है दूसरा ऑप्शन। और एक ऑप्शन है वो है आपका लेज़र थेरेपी। जी हाँ, जो लेज़र थेरेपी जो होती है ये काफ़ी एडवांस टाइप की टेक्निक है, और लेज़र थेरेपी ख़ास करके अगर आपका जेंथेलिज्मा 5 मिलीमीटर से कम है तो ही हम देते हैं। साथ ही साथ अगर आपका जेंथेलिज्मा बहुत गहराई तक डीप इंसर्टेड है तो वैसे केसेस में लेज़र थेरेपी नहीं की जाती है,
क्योंकि बहुत सी बार इसके वजह से डीप अगर इन्वेजन है तो आपकी पलकों पे नुकसान आ सकता है। इसलिए लेज़र थेरेपी आपके केस में एप्लीकेबल हो गया नहीं, वो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड करेंगे। और एक ट्रीटमेंट का ऑप्शन है जिसको नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी में खास प्रकार की थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और उससे आपका जेंथलिज्मा ख़त्म होता है। यानी ये सारे कुछ टेक्निक्स हैं जिसके वजह से जेंथलिज्मा को ठीक करते हैं। देखिए, टेक्निक कोई भी इस्तेमाल कीजिए, आपको आपकी लाइफस्टाइल पे डेफिनेटली ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अंदरूनी वो चीज़ को आप नहीं ध्यान देंगे तो बाहरी ओर से कुछ भी कीजिए आपको उतना शायद से फ़ायदा ना मिले, और हो सकता है उस वक्त तो फ़ायदा मिल जाए लेकिन वापस आ जाए। जी हाँ, जेंथलिज्मा का रिकरेंस यानी वापस आना काफ़ी कॉमन हो जाता है, और बहुत सी बार मरीज ये इसके लिए भी परेशान हो जाते हैं कि कुछ भी करा रहे वापस आ रहा है, लेकिन ये नहीं सोचते कि ट्रीटमेंट फेल नहीं हो रही है, इसलिए शायद से फेल हुई है क्योंकि आपकी इंटरनल लाइफस्टाइल ठीक से नहीं हुई। तो इस पर भी आप गौर फरमाइएगा, ठीक है। तो ये हमने जाना आज जेंथलिज्मा पाल्पेब्रम के बारे में, क्या होता है जेंथलिज्मा, कैसे इसकी जाँच होती है, क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शन है। अगर आपको जेंथलिज्मा आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और क्या आपने इसके लिए कभी कोई भी इलाज कराया है, और अगर आपने कराया तो उसके बारे में भी लिखिए, क्योंकि आपकी तरह इस वीडियो को बहुत लोग देखते हैं और बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि किसी और हमें बताया कि उनको प्रॉब्लम हुआ था, तो क्यों ना हम यही टॉपिक के नीचे कमेंट बॉक्स में कम्युनिटी जैसा बनाएं, ताकि आपके जो भी जो एक्सपीरियंस रहा है हो सकता है किसी और को फ़ायदे में आए, उनको ज़्यादा ज्ञान मिले, ठीक है। तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अगर आपको जेंथलिज्मा आया है तो क्या आपने उसका ट्रीटमेंट कराया था और आपको उससे कितना फ़ायदा हुआ। आपके इस कमेंट से दूसरे लोगों का भला होता है तो डेफिनेटली इसको करना चाहिए, ठीक है। और आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर कमेंट को पढ़ते रहती हूँ, उनका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। देखिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, ये जो प्लेटफॉर्म जो बनाया है मैंने हेल्थ को अवेयरनेस लाने के लिए बनाया है। बहुत सी बार मरीज़ लोग कमेंट लिख देते हैं कि इसकी दवा बताइए। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्रिस्क्रिप्शन देने का या तो मेडिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, जहाँ पे मैं आपको कंसल्ट वन ऑन वन कर रही हूँ, क्योंकि वैसे कैसे मैं आपके वो पहचानती नहीं हूँ, मुझे आपका मेडिकल केस नहीं पता है, आपने सिर्फ जो दो चार लाइन का क्वेश्चन लिखा उसके बेसिस पर कोई भी डॉक्टर आपको कोई भी दवाई नहीं देता है। इसीलिए प्लीज़ आप कमेंट लिखिए तो ऐसा लिखिए कि आपको मैं गाइड करूं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मैं आपको दवाई का प्रिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी, उसके लिए आपके जो भी डॉक्टर है जिसको भी पास आप ट्रीटमेंट करा रहे आप उनसे बात कीजिए। बहुत सी बार बहुत लोगों ने कमेंट में ऐसे भी लिखा था, जब मैंने बोला कि आप ट्रीटिंग डॉक्टर से बात कीजिए तो बहुत ऑफेंसिव जवाब देने लगते हैं लोग, आप तो कह रहे हैं आप डॉक्टर है तो आप नहीं बता सकते। डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ, लेकिन ये प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं है, क्योंकि मैं आपका मेडिकल केस को हैंडल नहीं कर रही हूँ, तो मैं आपको कुछ भी दवाई दूँ शायद से उतना फ़ायदा ना करे और हो सकता है नुकसान भी करे, क्योंकि कोई भी दवाई देने के पहले हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना रहता है और वो उतनी जानकारी ये कमेंट्स में नहीं होती। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप कमेंट लिखिए तो ऐसा लिखिए कि मैं आपको गाइड करूँ कि हाँ आपको ऐसा कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, तो जिससे आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपको भी क्लियर इंडिकेशन मिले कि क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी और नई और सही जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड और ख़ास करके हॉर्मोन्स के रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली बार हम वापस मिलेंगे कुछ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।